हो गया पूरा काम हो गया. देखो देखो जॉलिन दिख रहा है क्या? ब्रो अब पूरा काम खत्म हो गया. अभी अपना भूख लगे लिए चलो 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 पहले तुम ही लोग चलो चलो ना तुम लोग. नहीं पुलिस फर्स्ट पुलिस. अब क्या खाना खाएंगे? खाना खाएंगे जो खाना दिख रहा है ना वो बच्चा लोग के लिए है. पहले वो लोग खाएगा फिर हम लोग खाएंगे. अगर बच गया तो बाहर फेंक देंगे. फिर खा लेना तुम दोनों. हम क्या फालतू है क्या? तुम तीनों क्या बकैती चल रही है? खाना मिलेगा सबको. खाना मिलेगा पहले मैडम सर को तो आने दो. जाओ यहाँ से. चलो ना यार जाओ ना तुम. जाओ ना. मैडम सर फोन नहीं उठा रही है. कब से हम उनको फोन कर रहे हैं. अचानक से गायब हो जाती है आजकल. क्या कभी भी आपने हमसे प्यार किया? शायद. शायद नहीं अनुभव सर. हाँ या ना? क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं. इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो सब झूठ था. बेवकूफ बनाया आपने हमें. क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इस झूठ के. और हम अच्छी तरह से जानते थे कि आप अपने पिता समान चाचा जी के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे. और जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपके चाचा जी तो क्या, हम खुद के चाचा जी को भी नहीं छोड़ते. हमें पता था हसीना मलिक कि किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी. इसलिए हमने इरादे आपसे छिपाए रखे. आप जज्बात से काम लेती हैं और हम फर्ज से. जब फर्ज की बात आती है तो कई बार जज्बात का दामन छोड़ना पड़ता है. और अब जब आप सत्य जान चुकी हैं तब हम आपको इस मिशन में ऑन बोर्ड ले रहे हैं. बाकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको दे देंगे. चलिए हमारे साथ. हम कह रहे थे कि प्यार में हर चीज अचानक ही तो होती है. अच्छा? तुमको पता है हमारा लल्ला जो है ना वो भी अचानक ही आ गया. ए, लल्ला था कि छीक अचानक से आ गया. बाप रे. प्यार की बातें है ना आप नहीं समझेंगे. छोड़िए. पक्की तो अनुभव भाई अभी फोन नहीं उठा रहे हैं. बताइए. हमको लग रहा है ना हसीना मैडम और अनुभव सर साथ में मिलकर स्पीच लिख रहे हैं. हो सकता है. का हो सकता है. स्पीच का समय हो गया. ऐसे समय में अनुभव भैया से मिलने चली गई है. ये इनका हिंदी और उर्दू का जो मिलन है ना हमारे समझ में नहीं आता है. और ये कब तक सिखाएगी इनको पुलिस के बारे में? थोड़ी देर में ये पुलिस बन जाएगी. है? वो लोग एक जैविक युद्ध कराने की योजना में है. उन्होंने एक ऐसे भयानक जनभक्षक वायरस का निर्माण किया है जिसके फैलते ही करोड़ों लोगों की मृत्यु हो सकती है. और इसमें उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं आपके चाचा महिपाल सिंह. इसलिए उन तक पहुंचने के लिए हमने आपके साथ प्यार का नाटक किया. महिपाल सिंह के गांव के लोगों की दृष्टि में वो एक महान आदमी है. सभी लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं. इसलिए हम उसे सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते. इसलिए हमें आपका जीवन साथी बनकर वहां जाना होगा और उसे हिरासत में लेना होगा. मतलब अब तक प्यार का नाटक जो आप हमारे साथ करते आए वो अब हमें करना होगा. जिस तरह आपने हमें धोखा दिया अब हमें अपने अब्बू समान चाचा जी को धोखा देना होगा. अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहती हैं तो जी हाँ हम वही चाहते हैं.
इसका मतलब शादी, प्यार, इजहार, ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए? जी हाँ। आपको हम पर विश्वास है ना? देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, हम साफ साफ कह रहे हैं। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर, आप कहाँ हैं? आप फोन नहीं उठा रही हैं, कब से हम आपको फोन कर रहे हैं? हम डीएसपी सर के साथ कुछ जरूरी काम में अटक गए थे। हाँ तो आपका जरूरी काम अगर निपट गया हो तो क्या, आ जाइए। काफी टाइम से स्कूल के बच्चे स्टडी टूर के लिए थाना विजिट करने आए हैं। हाँ हम बस 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। ठीक है मैडम, आ जाइए जल्दी से। जय हिंद। जी देखिए, हमारी मैडम सर भी आ गई। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। सॉरी हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई, प्रोग्राम शुरू करें। हाँ, आपके स्पीच को छोड़कर बाकी सब कुछ बता दिया गया है। थाना दिखा दिया गया है, कानून का महत्वता बता दिया गया है, बस आपका स्पीच बचा है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैडम सर, क्या हुआ? पुष्पा जी, दरअसल हम अपने काम में इतने उलझ गए कि हमने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं की, अब हम क्या बोले? तो क्या कर रही थी डीएसपी सर के साथ? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अब बच्चे तो आ गए हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। कुछ भी बोल दीजिए ना। कुछ भी कैसे बोलते पुष्पा जी? तो अब हाँ, तो फिर ऐसा कीजिए ना, आप अपने बचपन का कोई बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला किस्सा सुना दीजिए, या अपने पिताजी के बारे में बोलिए, अच्छा लगेगा उनको। अरे आप बोल पाएंगे, बोलिए बोलिए। आज हम आपको कोई लंबी सी बोरिंग सी स्पीच नहीं देना चाहते। आज हम आपको अपने अब्बू का एक किस्सा सुनाना चाहते हैं, एक ऐसा किस्सा जो हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। हम बहुत छोटे से थे जब की ये बात है। हमारे अब्बू एक कांस्टेबल थे और बहुत ही ईमानदार आदमी थे। एक बार उन्होंने एक बहुत ही रईस इंसान की गाड़ी रोकी क्योंकि वो ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहा था। उससे उसका लाइसेंस मांगा चालान बनाने के लिए। उस आदमी ने मना कर दिया और बदले में उसने हमारे अब्बू को 500 रुपये देने की कोशिश की रिश्वत में। अब्बू ने क्या किया? अब्बू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत ईमानदार हैं और हम रिश्वत नहीं लेते। फिर उस रईस आदमी ने रिश्वत की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी, 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000, करते करते कीमत 10000 तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी हमारे अब्बू ने मना कर दिया। थक हार कर और हैरान होकर उस रईस आदमी ने अब्बू से पूछ ही लिया, आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी कीमत ठुकरा कर आप अपना नुकसान कर रहे हैं? अब्बू ने क्या जवाब दिया? अब्बू ने कहा कि जब भी मैं कोई काम
देश हित के लिए करता हूँ तो मेरा कभी कोई नुकसान नहीं होता। जब फर्ज की बात आती है तो कई बार जज्बात का दामन छोड़ना पड़ता है। फिर उस आदमी ने अब्बू से पूछा कि आप तो सिर्फ एक कांस्टेबल हैं, आपकी तो तनख्वाह भी इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि आपको पैसे रख लेने चाहिए? अब्बू ने इस बात का जो जवाब दिया उस बात पर हम आज भी गर्व करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी निजी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख दर्द हों, देश हित का जज्बात हमेशा उसके ऊपर होता है। हमारे अब्बू हमसे हमेशा कहा करते थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी उलझन सताए, हमेशा खुद से एक सवाल करो कि क्या आप जो करने वाले हो उसमें देश का भला है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो आपके चाचा जी तो क्या, हम खुद के चाचा जी को भी नहीं छोड़ते। और इस सवाल के जवाब से आपकी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, क्योंकि एक बात तो तय है, देश के हित के आगे और उससे जरूरी कुछ भी नहीं। बच्चों, आप सब हमारा भविष्य है। आगे चलकर हम नहीं होंगे, आप होंगे। आगे चलकर आप सबको ही हमारे इस देश को संभालना है, संवारना है। इसलिए जिंदगी में जब भी कुछ भी सोचना हो, कुछ भी करना हो, हमेशा याद रखिए, सबसे पहले, सबसे आगे अपना देश। जय हिंद सर। जय हिंद। हम जानते हैं कि आप असमंजस में होंगे, क्योंकि आपको पिता प्रेम और देश प्रेम में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, लेकिन आपके बिना हम किसी असमंजस में नहीं है सर। हम शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से इस मिशन के लिए तैयार हैं। हमने चाचा जी से मिलने की तारीख भी फिक्स कर दी, 7 तारीख को हम उनसे मिलेंगे। धन्यवाद हसीना जी। आपको धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के लिए कर रहे हैं। हमारे अब्बू हमसे कहा करते थे कि इस दुनिया में देश प्रेम से बढ़कर कोई भी जज्बात नहीं। वेलकम टू द मिशन हसीना मलिक। थैंक यू सर। संतोष जी, हाँ, स्माइल स्माइल। क्या बात है, क्या क्या लग रही हैं आप, क्या फोटोज आ रही हैं, ये देखो। हमको भी संतोष जी के साथ फोटो लेना है। ले, अब नहीं आएंगे अच्छी फोटो। देखो ऐसा है ना बाबू कि तुम्हारे पास कैमरा है ना तो फोटो लो, तुम फिर की मत लो, नहीं तो तुम्हारा ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे हम, बहुत खराब आदमी है। पासी खबर जैसी बातें करने वाला मुझे ब्रेकिंग न्यूज की धमकी दे रहा है, डरना चाहिए मुझे। हाँ, डरना चाहिए। सनी, इतनी बहस क्यों कर रहा है, फोटो ही तो लेनी, ले ले चीता के साथ। ले ले फोटो, ले ले। संतु जी बोली ना बाबू, अब देखना हमारा और संतु जी का केमिस्ट्री। बेटा केमिस्ट्री तो मैंने अपने स्कूल में कभी ना देखी, यहाँ क्या उखाड़ लूंगा देख के। स्कूल में देखे होते ना तो कोई बढ़िया काम उम कर रहे होते, पैसा वैसा मिलता तुमको, ये सब बकवासली नहीं करते। जा रही हूँ मैं। अरे संतु जी, संतु जी रुको रुको, खिंचवा लो फोटो, खिंचवा लो। ओके, तो अब क्योंकि हम मैडम सर और डीएसपी सर का प्री वेडिंग फोटो शूट कर रहे हैं तो हम एज ए कपल फोटो खिंचाएंगे। कपल? संतु जी हम रेडी हैं। मैं रेडी हूं। रेडी, तुम फोटो खींच। आइए, तुम दोनों कपल और मैं फोटोग्राफर। संतोष जी, क्या ये क्या कह रही हो, क्या ना बोल रही हो? फोटो खिंचाने बोल रही हूँ, शादी करने नहीं बोल रही हूँ। तुम चीते, तुम मैडम सर और तुम डीएसपी सर। चलो डीएसपी सर आप बैठिए प्लीज। संतोष जी हाँ बैठिए। संतोष जी समझिए ना,
बैठिए। अच्छा। और मैडम सर आप डीएसपी सर के कंधे पर हाथ रखिए। वेरी गुड स्माइल, अच्छे से स्माइल। जैन। जैन। मैडम सर आप ही का इंतजार था, शुरू करें आपका प्री वेडिंग शूट। ये करना जरूरी है क्या? अरे मैडम आजकल शादी के मंत्रों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ये शूट। करें शूट स्टार्ट। हाँ लेकिन हम सोच रहे थे कि हसीना जी अब खिंचवा लेते हैं एक फोटो। जी सर चलिए। चड्डा मैडम सर का और सर का ना एकदम बढ़िया फोटो खींचना, बढ़िया फोटो खींचे तो अपना और संतोष जी के शादी में भी तुम्ही को बुलाएंगे। बेटा तेरा तो दीवार पे टांगने वाली फोटो खींचूंगा बहुत जल्द। मैं जा रही हूँ। अरे संतोष जी खींचे फालतू का। वो वड्डी एसपी सर आप बैठ जाइए। मैडम आप भी वहां बैठ जाओ। हाँ अब मैडम सर आप ना डीएसपी सर के कंधे पर हाथ रखिए। हाँ अच्छी फोटो आई बहुत अच्छी। मैडम सर हम बताते हैं देखिए। स्माइल एंड हियर वी गो। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। शादी प्यार इजहार ये जो कुछ भी था वो सब एक नाटक था इस मिशन के लिए। जी हाँ। क्या आपने कभी हमसे प्यार किया? जी नहीं। जय हिंद करिश्मा सिंह। कई फाइल्स हेडक्वार्टर भेजनी है तो आपके हस्ताक्षर चाहिए इसमें। शुक्रिया मैडम सर। ये आपके इतने अच्छे पिक्चर है आप इनको यहाँ फेंक दिए डस्टबिन में। हमें अच्छे नहीं लगे वो फोटोज, हम मोटे लग रहे हैं उनमें इसलिए फेंक दिए। क्या बात कर रही है मैडम से, क्या बढ़िया लग रही हैं आप, कह रहे मोटे लग रहे हैं। देखिए हमें पसंद नहीं है। मैडम सर सब ठीक है ना आपके और अनु भैया के बीच में? हाँ सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं नहीं हम ऐसी बस ऐसी पूछ रहे थे। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक आप मिशन के लिए तैयार तो हो गई हैं, लेकिन क्योंकि ये मिशन बाकी मिशन से अलग और कठिन है, इस मिशन को सफल बनाने के लिए आवश्यकता है प्रशिक्षण की। हम आपको एक पता भेज रहे हैं, बिना किसी को बताए आप हमें वहां 20 मिनट में मिलिएगा। जी सर हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। ये बाकी के फाइल। हाँ सॉरी। ठीक है कुछ तो ठीक नहीं है। हसीना मलिक आप जानती हैं कि शत्रु देश हमारे देश में जैविक युद्ध की परिस्थिति बनाना चाहते हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ देशवासी भी इसमें शामिल हैं। यदि यह मिशन सफल हुआ तो इतने लोगों की मृत्यु होगी कि गिनना भी असंभव होगा। गंभीर बीमारियां फैल जाएंगी जो आने वाले कई सदियों तक
हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। इस मिशन को रोकना पड़ेगा, लेकिन इस मिशन से जीवित लौटने की संभावना बहुत कम है। क्या आप तैयार हैं? जब देश की सुरक्षा का जज्बा बढ़ जाता है तो मौत का खौफ नहीं होता सर। अगर इस मिशन में हम शहीद हो गए तो हमारे अब्बू को हम पर फक्र होगा। वो हमसे कहकर गए थे कि अपने देश के लिए अपनी जिंदगी दे देना और वक्त आने पर अपनी जान भी। देश के लिए तो आपके जज्बात निसंदेह प्रशंसनीय है। महत्वपूर्ण यह है कि शत्रु के विरुद्ध आपके जज्बात क्या है। अब आप हसीना मलिक हमें अपना शत्रु समझिए और हम पर वार कीजिए। हसीना मलिक, बिना ये सोचे कि हम आपके उच्च अधिकारी हैं, वार कीजिए हम पर। वार कीजिए हसीना मलिक, शत्रु आपके सामने खड़ा है। सोचिए मत हसीना मलिक, वार कीजिए। आइए हसीना मलिक, वार कीजिए हसीना मलिक, ध्यान दीजिए। अगर आप शत्रु पे वार नहीं करेंगे तो वो आपको चित कर देगा हसीना मलिक। माफ कीजिए सर, लेकिन आपको ये दिखाना जरूरी था कि हम अपने जज्बात से दुश्मन के घर में घुस कर उसे मात दे सकते हैं। सॉरी। उत्तम, अति उत्तम हसीना मलिक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.